वाह, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छा ही होंगे और मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही है कि अभी यूट्यूब का सबसे बड़ा और डेंजर खतरनाक अपडेट आया हुआ है 2023 का। तो इसी टॉपिक पे मैं आप लोगों को शॉर्ट ब्लॉग लेके आई हूँ। सभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा तो एंड तक आप लोग बने रहो। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। जो भी न्यू न्यू यूट्यूबर्स हैं या फिर जो लोग सोच रहे हैं कि हम भी चैनल ओपन करेंगे, वीडियो ब्लॉग बनाएंगे, तो उन सबके लिए भी बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। मैं क्यों ये ब्लॉग आप लोग को शेयर की हूँ, तो चलिए वीडियो के टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक में चलते हैं। जो लोग न्यू यूट्यूबर्स हैं या फिर ओल्ड यूट्यूबर्स हैं या फिर जो लोग सोच रहे हैं कि अभी हम लोग न्यू से चैनल ओपन करेंगे, वीडियो बनाएंगे और यूट्यूब पे काम करेंगे, सो फ्रेंड्स, मैं सभी उन लोगों को कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है ऑलरेडी, इसीलिए मैंने न्यू चैनल ओपन किया है। अब मैं न्यू चैनल पे ही काम करूंगी, क्योंकि मेरे को इस चैनल से इतना दिक्कत नहीं है जो मैं अभी यूज कर रही हूँ। आप लोग वीडियो देख रहे हो, क्योंकि देखो फ्रेंड्स, मैं तो हमेशा ड्यूटी करने वाली हूँ, आप लोगों को पता ही है ना। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी थी, तो पहले ही मुझे पता होता तो मैं भी ये गलती नहीं करती। तो अभी जो रिसेंटली न्यू अपडेट आया है, ये चैनल मोनेटाइज के बारे में ही है फ्रेंड। तो देख लो, आप लोग इतना मेहनत करके जब एक चैनल पे व्लॉग बनाओगे, वीडियो बनाओगे या फिर रेसिपी कुकिंग बनाओगे, कुछ भी करोगे, एक साल के अंदर में आपको 365 डेज पे आपको वहां पे 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा करना है और ये पूरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना है। मान लो आपने हर कुछ कहीं से भी कुछ भी करके एक साल में पूरा 365 डेज में आपने 4000 वॉच टाइम कर लिया और 1000 आपका सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। तो पहले आपको कुछ भी दिक्कत होता था तो 30 डेज में यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करके फिर से आपको चांस देता था। अभी वो बिल्कुल नहीं है जो न्यू अपडेट आया हुआ है। तो YouTube वहां पे मोनेटाइज होने के पहले बहुत ही अच्छा से चेक करता है। तो मेरा भी यही है हाल इस चैनल पे, आप लोगों को पता ही है। तो मुझे भी पता नहीं था, इसलिए मैंने न्यू चैनल बनाया हुआ है अभी। तो मैं सोच रही थी कि ये चैनल डिलीट करूंगी, ये चैनल डिलीट नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ से भी मुझे आप लोग को बहुत को मतलब मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे सकूंगी और मेरी न्यू चैनल पे आप लोग को इन्वाइट कर सकूंगी। इसीलिए तो मेरे साथ जो हो गया है, मैं दूसरों के साथ हो ये नहीं चाहती हूँ। इसीलिए आज एक मैं कहीं पे घूमने गई थी, तो वहां पे एक बहुत ही अच्छा लड़का था, वो भी वीडियो बनाता था काफी दिन से। तो एक भाई है, तो वो भी ना इसी टाइप की वीडियो बनाता था बहुत। कभी घूमने जाता था वो डाल देता था, कभी घर की डाल देता था, कभी मम्मी खाना बनाती है, कभी कुछ करती है ये सब डाल देता था, कभी रेसिपी वीडियो डालता था, कभी ब्लॉग टाइप वीडियो डालता था। तो मतलब उसने वैसा करके पूरा 1 ईयर में उसका 4000 वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है और 1000 उसका सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट हो चुका है। उसने मोनेटाइजेशन के लिए जब भेजा है तो उसका रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हुआ? तो मुझे ना मेरे पापा पहले ही बताए थे कि चैनल पे ऐसा मत करो कि एक ही कैटेगरी होना चाहिए, कि आप अगर रेसिपी की चैनल ओपन करोगे तो वहां पे रेसिपी होना चाहिए। चाहे आप खाना बनाओ, चाहे आप रोटी बनाओ, चाहे आप मटन करी बनाओ, कुछ भी बनाओ, किचन का कुछ भी करो, वहां पे उसी रेसिपी में रेसिपी ब्लॉग की मतलब वहां पे होना चाहिए। अगर आप ब्लॉग में कर दोगे तो कहीं घूमने जाओगे, मैं आज यहाँ पे जा रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो हुआ ब्लॉग, वो ब्लॉग टाइप है वो डालोगे। कहीं पे अगर घूमने जाओगे तो वीडियो बनाओगे, वो वीडियो हुआ। कहीं पे मंदिर पे जाओगे, कुछ भी करोगे, वो वीडियो हुआ, वो डालोगे। एक चैनल पे कोई आपका कैटेगरी नहीं है, हर कुछ डाले जा रहे हो। तो यूट्यूब ये भी आपको देखता है कि अभी ये रिसेंटली लागू हुआ है मोनेटाइजेशन के लिए। तो कृपया सभी को बोल रही हूँ क्योंकि ये गलती ना करे, इसीलिए मैं भी न्यू चैनल ओपन कर रही हूँ। तो उसका मोनेटाइज नहीं हुआ तो काफी वो दुखी था, पता है, बहुत मेहनत किया था उसने, तो उसका चैनल मोनेटाइज इसीलिए नहीं हुआ। उसका सब कुछ ठीक था, टेक वगैरह ठीक था, टाइटल वगैरह ठीक था, वीडियो क्वालिटी सही था। तो आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी कितना एक्सपर्ट होते हैं यूट्यूब में, आप लोगों को पता ही है। तो सभी कुछ उसने सही किया था, लेकिन उसका मोनेटाइज नहीं हुआ तो वो बहुत ही उदास था। तो मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम है, तो मैंने उसको भी बताया, ओ माय गॉड भाई, मैं भी तो ऐसा ही वीडियो बनाती हूँ। वैसे देखो दोस्तों, मुझे चैनल मोनेटाइज के पीछे कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मैं तो पूरे दिन ड्यूटी पे ही बिजी रहती हूँ, और मेरी जो यूट्यूब को छोड़ के मैं मेरा अपना ड्यूटी भी है। मेरा कभी कभी टाइम मिल जाता है तो मैं अपने
लाइफ ओल्ड लाइफ के लिए मेमोरी के लिए मैं यूट्यूब पे वीडियो कर लेती हूँ, ब्लॉग बना लेती हूँ, वैसे कभी कभी देखती हूँ, इसीलिए अच्छा लगता है। तो एक मेरी मेमोरेबल डे होगा वो, इसीलिए मैं अपलोड करती हूँ। तो मोनी वजह से मुझे इतना टेंशन नहीं है, दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि मेरा ये चैनल बहुत ही ओल्ड हो चुका है। तो क्योंकि मेरा अभी 1 ईयर में 4000 कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उम्मीद ही नहीं है कि यह चैनल मोनेटाइज होगा, है ना। तो मेहनत करके फायदा ही नहीं है। जो लोग मेहनत कर रहे हैं उन लोगों में बता रही हूँ, अभी भी टाइम है फ्रेंड्स, अभी भी टाइम है। ये बिल्कुल मत सोचना कि कहीं से भी कुछ भी उठा के डाल दिया और 4000 कंप्लीट हो गया तो चैनल मोनेटाइज होगा, ये कभी नहीं हो। अगर चैनल मोनेटाइज हो भी गया आपका, तो यूट्यूब चेक करके आपका चैनल डीमोनेटाइज कर सकता है। तो इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा बताओ। इतना धूप में बस एक वीडियो बनाने में कितना मुश्किल होता है, फिर उसको एडिट करने में कितना मुश्किल होता है, वो मुझे भी पता है अभी, क्योंकि मैं खुद बनाती हूँ कभी कभी, है ना। तो वैसे वीडियो बनाओ फिर थंबनेल बनाओ कितना होता है। तो इतना मेहनत करने के बाद जब आप वीडियो पे मतलब उम्मीद रखते हो कि मैं एक दिन कामयाब हो जाऊंगा, मतलब YouTube के थ्रू से पैसा कमाऊंगा, ये उम्मीद कभी आप लोग मत रखना। क्योंकि YouTube ने अभी साफ बताया है कि किसी का मेरे सामने एग्जांपल है, मैंने तो देख ही लिया कि वो जैसे रो रहा था कि मेरा ये हुआ वो हुआ, मैंने आके तुरंत मैंने पापा को बोला कि ऐसा क्यों हुआ। मेरे को पहले ही मेरे हस्बैंड बताए थे कि ऐसा कभी मत करना, कि एक ही मतलब कैटेगरी का वीडियो होना चाहिए, कि YouTube ये भी देखेगा कि आप लोग की सबसे बड़ी गलती क्या है। मैं भी यही करती थी कल तक, लेकिन मैं जो जरूरी जरूरी मेरे फ्रेंड्स है उन्हीं को भेजती थी मैं बस वीडियो, मैं मतलब जो जरूरी फ्रेंड्स है जो मेरे को सपोर्ट के लायक है उन्हीं को ही मैं वीडियो भेजती हूँ, बाकी को नहीं भेजती हूँ। तो हम लोग क्या करते थे, अभी लिंक भेजते थे, है ना, लिंक के जो भी वीडियो अपलोड करके लिंक शेयर करते हैं उनका तो पहले ही नंबर में रिजेक्ट हो जाएगा चैनल, क्योंकि यूट्यूब ये देखता है कि अपने से मतलब व्यू आ रहे या फिर कहीं से लिंक के थ्रू से आ रहे, तो ये करने से कोई फायदा नहीं है फ्रेंड्स, कोई फायदा नहीं है। अगर आप लोग की हर किसी के मुंह पे यही सवाल होगा कि मुस्कान आपकी भी तो चैनल यही है कि हर आप वीडियो अपलोड कर रहे हो, ये चैनल मेरा बहुत पुराना है, तो मुझे कुछ भी यूट्यूब के बारे में पता नहीं था फ्रेंड्स, सच बताऊं तो कुछ भी पता नहीं था। तो जब मुझे धीरे धीरे पता होने लगा कि फ्रेंड्स लोग बोलने लगे कि तुम्हारा मोनेटाइज हो गया, तुम्हारा पैसा हो गया, ये मोनेटाइज होता क्या है और यूट्यूब से पैसा मिलता, ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं तो जॉब से ही पैसा कमा ही लेती हूँ, है ना, इतना मुझे हेडेक नहीं है पैसा की। तो जब भी मुझे पता चला कि 4000 वर्स्ट टाइम होना चाहिए, कि ऐसा होता है, तभी मैंने भी मतलब थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इम्पोर्टेंट देने लगी। अब जाके ये जो न्यू अपडेट के बारे में मैंने 5-6 दिन हो गया सुना ही थी, तो अभी तो मैंने देख भी लिया कि वो भाई कैसे रो रहा था, उसके मतलब मिक्स खिचड़ी वीडियो था। तो मेरे पापा भी बोलते है ना, तुम्हारा चैनल का नाम क्या है, मतलब किस कैटेगरी में वीडियो बनाती हो, मैं बोलती हूँ मिक्सर मेरा है ना, मेरा चैनल जो है मिक्सर चैनल है, कि कहीं कुछ डाल दूं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा होगा। पहले इतना यूट्यूब नहीं देखता था, अभी बहुत ही अच्छा से मतलब गौर से देखने लगा है। तो इतना मेहनत करने से क्या फायदा है ना, जब आपको मोनेटाइज नहीं करना है या फिर यूट्यूब से पैसा नहीं कमाना है, बस आपकी लाइफ मेमोरी के लिए यूट्यूब पे आप लोग वीडियो अपलोड कर रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप लोग सोचोगे कि फ्यूचर में मैं भी एक दिन बड़े हो छोटे हो यूट्यूबर बन जाऊंगी या फिर बन जाऊंगा और मैं भी फेमस होना चाहता हूँ, मेरे भी चैनल मोनेटाइज हो जाए और पूरे एक साल में 4000 मतलब वर्स्ट टाइम जो पूरा करूंगा और मोनेटाइज करूंगा, ये सपना बिल्कुल छोड़ दो। क्योंकि अगर ऐसा करना है आपको तो एक ही कैटेगरी पे वीडियो बनाना है और कहीं किसी को शेयर नहीं करना है, व्यूज आए या फिर ना आए आपको बस वीडियो डालते जाना है। ये अगर करोगे तो फ्यूचर में उम्मीद रहेगी। अगर ऐसे मेरी तरह या फिर हर किसी की चैनल देख लेना, कभी कुछ डाल दें, तो फ्रेंड्स मेरा तो चैनल पुराना है, मैंने पहले ही बता चुकी थी। तो इसीलिए मैं सभी को बोल रही हूँ, ये जो अपडेट है बहुत ही खतरनाक अपडेट है ना। तो मैं भी न्यू ओपन कर रही हूँ, तो आप लोगों को भी मैं लिंक शेयर करूंगी जरूर मेरे को सेकंड चैनल पे। आप लोग उम्मीद है सभी लोग सब्सक्राइब कर देना और सभी लोग न्यू चैनल पे जुड़ जाना, वहां पे फ्रेंड्स जो आप लोगों ने नहीं सोचा है वही मैं ब्लॉग डालूंगी। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ब्लॉग डालेगी मुस्कान, ऐसा है ना तो देखो न्यू चैनल न्यू डे न्यू लाइफ है, तो सब कुछ न्यू होना चाहिए। वहां पे मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक ही कैटेगरी का वीडियो डालूंगी।
न्यू होगा सभी कुछ, तो सभी लोग यही मेरे ब्लॉग को देखने के लिए मतलब तरस रहे सभी लोग। तो मैं नेक्स्ट चैनल पे अपना यही सब वीडियो डालूंगी, तो ये चैनल में डिलीट नहीं करूंगी। तो मेरे को जितना पता था यूट्यूब अपडेट के बारे में, तो वो भाई जिसे कर रहा था अभी चैनल मोनेटाइज के लिए, तो मैंने आप लोग को यही शेयर करने के लिए छोटा सा ब्लॉग लेके आई थी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी लाइफ में फ्यूचर में कभी सोचे हो कि तो एक ही कैटेगरी का चैनल बनाए और एक ही वीडियो डाले, या फिर कुकिंग का, या फिर वीडियो ही वीडियो, या फिर ब्लॉग डालो, या फिर शॉर्ट वीडियो ही डालो अपने वॉइस ओवर करके, ऐसा अगर होगा तो लाइफ में उम्मीद रहेगी कि चैनल मोनेटाइज होगा, नहीं तो आपके चैनल इतना मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है। तो मेरे भी इतना उम्मीद नहीं है चैनल मोनेटाइज के लिए। तो आप सभी को मेरे न्यू चैनल पे स्वागत करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, यही था आज का यूट्यूब अपडेट के बारे में एकदम छोटा सा ब्लॉग, आप लोगों को मैं यही मतलब जानकारी देना चाहती थी। फ्रेंड्स, अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना, और अपने सभी जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर कर देना, ताकि उन लोगों को भी पता चले, और आने वाले जो भी न्यू यूट्यूबर्स है या फिर जो लोग सोच रहे हैं ओपन करेंगे चैनल, तो उन लोगों को भी पता चले कि किस तरीके से वीडियो बनाना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है। देखो फ्रेंड्स, मुझे जो पता चलता है और मुझे दिल में लगता है, जो मैं रियलिटी से देखती हूँ, तो मैं तुरंत आप लोगों को बताने के मेरे को मन होता है, तो इसलिए मैंने शेयर किया है। बहुत जल्द मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय।